उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र देहरादून में ही आहत हो सकता है। बता दें कि प्रदेश में चल रही चार धाम यात्रा और पुलिस फोर्स की भारी कमी के चलते सरकार 7 जून से होने वाले बजट सत्र पर विचार करने जा रही है। लिहाजा बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री को मिले अधिकारियों के फीडबैक के बाद सत्र को लेकर विचार किया जा रहा है, क्योंकि 10 जून को राज्यसभा का चुनाव भी देहरादून के विधानसभा भवन में होना है। ऐसे में सत्र के स्थान पर अभी जारी है। बजट इस बार हम लोग कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर हमने स्टेक होल्डर्स से डायरेक्ट सुझाव मांगे हैं, जिसमें 14 मई को हमने नैनीताल में, स्वयं मैं भी उसमें मौजूद था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, और 19 तारीख को यानी 19 मई को, इसी 19 मई को हमने देहरादून में इसी प्रकार की बैठक की। बहुत महत्वपूर्ण हमारे सुझाव मिले हैं, और साथ में हमने ईमेल आईडी भी जारी की है 27 मई तक। उसमें भी हम डायरेक्ट कोई भी, चाहे युवा हो, छात्र हो, वकील हो, आप जैसे मीडिया कर्मी हो, या हमारा किसान हो, व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, या किसी भी प्रकार का जो भी जनता हमारी है, जो भी व्यक्ति है जो अपने अच्छे सुझाव इस बजट के लिए दे सकता है, तो हम वो आमंत्रित कर रहे हैं, और उसके बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से हम अच्छा बजट इस प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए दे सकें।